सभी अपने अपने घरों के हिसाब से सफाई में लगे हुए हैं, पर कुछ लोग अपने घर का कूड़ा लाके सड़क पे डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं कि इससे गंदगी फैल रही है और बीमारियां भी। आज पे बहुत ही नहीं आई है, छुट्टी पे हैं और भाटिया सब आ गए हैं। और ये देखिए ये किसके लिए बन रहा है, अरे भाई ये है, देखिए बादाम भिगोया था रात में और मैं सुबह से देख रही हूँ कि क्यों भिगोया हुआ ये। खाने के लिए आप खाओगे? आप भी खाओगे? अच्छा चलो, मैंने चाय वाय बना के दे दी है और ब्रेकफास्ट के लिए भाटिया साहब ने पपीता काट दिया है, मैंने एग बॉईल करने के लिए रख दिया है और अभी ये पानी गर्म हो रहा है, नींबू पानी देने के लिए ना। हाँ नींबू है। अच्छा, अच्छा तुम चाय अपनी? अच्छा चाय ठंडी कर दी तुमने? नहीं दूसरी चाय बना लो। अच्छा ये दूसरी चाय डीप वाली अभी पियेंगे और जाएंगे ऊपर। और मैं इसी बीच में ये सारा कुछ अपना लंच वंच पैक करके चाय वाय दे करके मैं तकरीबन 2 घंटा गार्डन में काम करके आ चुकी हूँ और अब मैंने इस तरह से ले लिया है कैमरे को। और मैंने ऑर्डर किया हुआ साथियों इसके लिए ट्राईपॉड के लिए, वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल हो रही है हाथ में पकड़ के कैमरा लेके घूमना पड़ता है। और उसी मुश्किलात से जूझते हुए मैंने अपने गार्डन का भी अभी वीडियो बनाया है। अगर आप सब ने सरिता की बगिया नाम से मेरा एक और चैनल है जो गार्डनिंग का है, अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, नहीं देखा है, तो ज़रूर कोशिश कीजिए अगर मेरे चैनल को देखने की। और मेरे लिए सबसे कम्फर्टेबल जगह मुझे लगता है अपना कमरा, मैं यहीं पर आ जाती हूँ। एक्चुअली इसके रीज़न भी ये है ना कि यहाँ पे पर्याप्त रोशनी है, ये कमरा है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं पसंद आती, जैसे कमल को बहुत ज़्यादा रोशनी पसंद है, वो डीम लाइट में रहते हैं, वहीं बैठते हैं। मैं आपने देखा भी होगा कि जब कमरे में जाती हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ कि लाइट जलाऊं कि नहीं। और वीडियो जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे साथी हमसे पूछते भी हैं कि आप किस लाइट में वीडियो बनाते हो, तो जब येलो लाइट में वीडियो बनाती हूँ ना तो ज़्यादा अच्छा वीडियो बनता है, और वाइट लाइट में थोड़ा चेहरा बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लगने लगता है। तो मेरे कमरे में मैंने थोड़े से एक दो लैंप अभी और फ्यूज हो गए, पता नहीं सफाई कर रही थी तो बल्ब हिल गया होगा, तो बस यही है। और बहुत ज़्यादा क्लिपिंग नहीं है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ शॉपिंग मैंने छोटी छोटी 2-4 चीज़ों की करके रखी है, पर इसी कैमरे को स्टैंड में लगाना मुश्किल है, फिर भी मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, जुगाड़ू हूँ ना इसीलिए। अभी अमेजोन से ही लिया है, अब 2 चीज़ें आई हैं, छोटी छोटी कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर किया था, मुझे पता भी नहीं होता है, मैं ऑर्डर करके भूल जाती हूँ। अब है क्या आपके सामने ही खोल रही हूँ मैं, और सिम खोल जाने वाले वाली बात है कि जब आपको याद ही ना रहे तो आप क्या करेंगे। अच्छा जी ये देखिए, बहुत दिनों से मेरा मन था ये कुशन कवर लेने का, देख रहे हैं ये कुशन कवर मैंने लिया है और ये मुझे पड़ा है 1199 रुपए का, मतलब 1199 रुपीज़, 1200 हो गया पूरा। और मुझे बहुत दिनों से मन था, एक्चुअली मैं एक बार बंजारा मार्केट गई थी और जिस दिन हम गए थे बंजारा मार्केट वहाँ पे ये मिल रहा था, और आप बिलीव नहीं करेंगे वहाँ उस दिन ये 200 रुपए का मिल रहा था, और जिसके पास उसने खुद ही रेट ही बताया था भैया ने 200 रुपया, और लेकिन उसके पास एक ही था, तो वो मैं अपनी बेटी के साथ नवेली के साथ गई थी तो उसने ले लिया। ये देख रहे हैं, ये देखिए इतना खूबसूरत सा है, मैं इसे और भी ढंग से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए है ना खूबसूरत सा, मतलब वर्थ है। अगर 200 रुपया में मुझे उस टाइम में मिल गया होता है उससे तो बड़ी कोई बात और हो ही नहीं सकती थी, पर हाँ 1200 रुपया में लिया है तो एक ये एक पूरी जिंदगी के लिए लाइफ टाइम एक समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इतनी जल्दी ये खराब होने वाला नहीं है। इसका जो नीचे का भी कपड़ा है, मार्किन है, बहुत ही अच्छा है, स्टडी है, और ये भी बहुत अच्छा डिजाइन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे के भी खुशी ही मिलती है, वैसी वाली ही मुझे इसे खरीद के खुशी मिल रही है। दूसरी चीज मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ स्टैंड पे, मेरे पास काला धागा था, काश मैं आपको दिखा पाती दूसरे वीडियो से मोबाइल से शूट करके, काले धागे से मैंने उसे गिट्ठ बांध दिया है, इसलिए मोबाइल अभी उस पर टिका हुआ है। और चलिए अब दूसरी चीज को अनबॉक्स करते हैं।
अब दूसरी चीज क्या है, मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने अपने लिए कुछ मंगवाया था, कपड़ा वगैरह होगा कुछ। और कभी कभी बॉक्स ऐसे, ना जी ना जी, वेरी गुड। देखिए ये मैंने कहा कि मैंने तो कुछ मंगाया नहीं था, इतना खूबसूरत सा ये भी एक कुशन कवर है, राउंड शेप का, आप देखते हैं ना मेरे ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, वो कुशन मैं जयपुर से लेकर के आई थी, उसके लिए कवर मंगवाया है। और ये कितने का पड़ा है, 1900 रुपये का पड़ा है। मैं इसे आपको ठीक से दिखाती हूँ, ये देखिए, वैसे आप देख रहे हैं इतनी इसकी खूबसूरती, इसकी कारीगरी देखिए, सारा हैंडमेड है, हाथ से बनी हुई एम्ब्रॉयडरी है ये। तो इसके लिए दो कुशन के लिए 2000 रुपया देना वर्थ है, सारा हाथ का काम है। और चूंकि मुझे इन काम की कीमत का अंदाजा होता है, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ से ये सारा काम बहुत सालों तक किया है, इसलिए मुझे मालूम है। तो मुझे खुशी होती है कि जिसने हाथ से बनाया है उसके लिए मैंने कुछ तो उसे पे किया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दो कुशन कवर है ना, अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। तो थैंक यू अमेजोन, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी आ भी गया है। अगर आप सभी चाहते हैं तो जरूर अमेजोन से ये ले सकते हैं। अब दोनों ही कुशन आपको दिखा दिया, मेरे मन पसंद की चीज़ थी ये, अच्छा लगा। अब समय हो रहा है मुझे ऑफिस जाने के लिए, फटाफट करनी है तैयारी। अब ऑफिस से मैं आ गई थी और भाटिया साहब के दांत में दर्द हो रहा था, अपॉइंटमेंट लिया मैंने डॉक्टर से और वही मैं उनको समझा रही थी, पर ये तो खड़े ही हो गए थे, हिल ही नहीं रहे थे। क्या बात है, अब हिलेंगे नहीं भाटिया साहब। हिल गए। अब साथियों आज के वीडियो का यहीं पे करते हैं समापन। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अमेजोन हॉल जो है वो आपको अच्छा लगा, जो भी चीज़ें खरीदी है मैंने, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। कल मिलते हैं आपसे 11 बजे, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।